चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, जय माता दी। जम्मू कश्मीर में प्राचीनतम वैष्णो देवी की मंदिर है और वह काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग 5200 की ऊंचाई पर स्थित है और करीब यह 12 किलोमीटर की दूरी जो है जम्मू कश्मीर से पड़ती है कटरा जगह पे। और मैं इस वक्त ठीक रांची में कचहरी चौक पर मौजूद हूँ। दुर्गा पूजा की धूम है और वैसे तो कई सारे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जिसमें कि कई सारे संदेश दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे पंडाल का आज दिखाने वाला हूँ जिसमें कि माता वैष्णो देवी की प्राचीनतम कहानी दर्शाई गई है। मैं अपने कैमरा सहयोगी बोलना चाहूँगा कि वह दिखलाए कि किस तरह से यह निर्माण किया गया है। हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित यह मंदिर वैष्णो देवी को समानता माता और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बतला दूं कि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला तीर्थस्थल है। इस मंदिर की देखरेख में माता वैष्णो देवी तीर्थमंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। मैं आज उसी पंडाल के ठीक अंदर जाकर आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराऊंगा और क्या प्राचीनतम कहानी रही है वह भी अपने दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। ये तो हुई माता वैष्णो देवी की मंदिर की बात। अब इसके पीछे प्राचीनतम रहस्यमय गुफा और भैरवनाथ की पौराणिक कहानी मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भैरवनाथ के दर्शन के बिना क्यों अधूरी मानी जाती है वैष्णो देवी की यात्रा। हमारे दर्शकों को दिखला है कि क्या मान्यता है वैष्णो देवी को लेकर, कथाएं क्या है, क्या आखिर रही थी भैरवनाथ की कहानी को लेकर। तो मैं अपने दर्शकों को बतलाऊं कि वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक पुरानी मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा था और सभी गाँव वालों ने साधु संतों को भंडारे में आने का न्योता दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि गरीब ब्राह्मण श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी उनके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया गया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस शराब का सेवन करने की बात की, तब श्रीधर ने मना कर दिया। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई और मांस मदिरा की मांग पर अड़े भैरवनाथ को कन्या के वेश में आई माता वैष्णो देवी ने समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने कन्या को वहां देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और फिर कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने तपस्या 9 माह तक तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेला था। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुमारी के पास ही माता की चरण पादुका भी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वह चरण पादुका जो है माता वैष्णो देवी के, वो दिखलाएँ और बतलाएँ कि क्या पौराणिक कहानी रही है। और उसी को देखते हुए आज रांची में कचहरी चौक पर वैष्णो देवी की पर्वत पर होते हुए सभी कहानियों को देखते हुए दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी को देखते हुए यह कुछ बनाया गया है। और माता रानी की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही त्रिकुट पर्वत पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध भी किया था। भैरवनाथ का वध करने पर देख सकते हैं कि अपने बाल को धोते हुए माता वैष्णवी का भी चित्र इसमें अंकित किया गया है कि किस तरह से माता ने अपने बालों को धोया था और पर्वतों पर, और हनुमान जी ने जिस तरह से उनकी रक्षा की थी वह भी यहाँ दर्शाया गया है। और अपने कैमरा सहयोगी से ये भी बोलूँगा दिखलाने के लिए कि माता का जो चरण पादुका है वह भी यहाँ रखा हुआ है। और दिखाना चाहेंगे कि भैरवनाथ एवं वीर हनुमान के बीच जो युद्ध हुई थी वह भी यहाँ चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ताकि लोग जानें कि आखिर वैष्णो देवी का जो यह पौराणिक इतिहास रहा है किस कारण से रहा और क्या क्या कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई है, यह हमारे दर्शक ताकि जान सके और भी उन्हें आसानी हो कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर एक साल श्रद्धालु कई लाखों के जत्थों में रवाना होते हैं। एक कहावत भी है जो माता के मंदिर की बात अगर की जाए तो यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि
5,200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हर वर्ष लाखों तीर्थ इस मंदिर का दर्शन भी करते हैं। उसी के तर्ज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निर्माण किया गया है। चूंकि अभी दिन का वक्त है तो श्रद्धालु की अभी कम भीड़ है, लेकिन शाम होते ही आज यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने वाली है और लोग जरूर दर्शन करने के लिए आएंगे। अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि भैरवनाथ और वीर हनुमान के बीच जो युद्ध हुई थी उनको वह कैमरे में दिखलाएं और ताकि दर्शकों को ये जानने में आसानी होगी कि भैरवनाथ की, जिसके बिना अधूरी मानी जाती है माता वैष्णो देवी की यात्रा, कि अगर आप भैरवनाथ के मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे तो यह कहा भी गया है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता रानी से माफ़ी भी मांगी। भैरवनाथ को अपने से ऊंचा स्थान दिया और यह कहा कि भक्त के दर्शन के बाद अगर तुम्हारी दर्शन नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होंगी। हम धीरे धीरे वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाए गए इस गुफा के अंदर जाएंगे और दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए, अब देख सकते हैं आप कि माता वैष्णो कैसे तपस्या में लीन है। और हम यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और आपको बतलाएंगे कि कितनी ज़्यादा दुर्गा पूजा की को लेकर वह उत्साहित हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं इस बार, क्या कुछ है। वैसे तो कई सारे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जिसमें कि कई सारे मैसेजेस दिए गए हैं इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा मनाई जानी चाहिए। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप लोगों ने माता वैष्णो देवी के तर्ज पर इस बार निर्माण किया है, क्या कॉन्सेप्ट रहा, कितनी लागत आई, कैसे कुछ क्या हुआ, ये हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम लोग कुछ अलग अलग आम जनता श्रद्धालु को दिखाना चाहते हैं। इस वर्ष हम लोग माता वैष्णो देवी का जो पूरी कथा है उसको हम लोग लेकर के श्रद्धालुओं के बीच में आए हैं और हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो जान सके माता वैष्णो देवी के विषय में। हालांकि तो विश्व प्रसिद्ध है माता वैष्णो देवी मंदिर, फिर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो माता का दर्शन नहीं कर पाए होंगे जा कर के। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपने पूजा पंडाल में ही पिंडी रूप में जो माता का दर्शन है उसको भी कराएँ और पूरी कथा को हम लोग आम श्रद्धालु को बताएँ। तो इनका साफ तर्ज पे कहना है कि माता वैष्णो देवी की पूजा होती है, 10 दिन पूजा होती है। वैसे तो चंडमुंड की कहानी भी बहुत विख्यात है, महिषासुर की कहानी है, लेकिन आपने विस्तृत रूप से इनके बारे में बतलाया, जिनसे कि जिनके बिना अधूरी होती है यात्रा उनको तर्ज पे रख के दे हुए दिखलाया है। क्या कॉन्सेप्ट रहा, कितने ज़्यादा दर्शक यहाँ पर आके खुश होते हैं और 10 दिन तक पूजा होती है माँ की, और उसको लेकर और भी कुछ बतलाइए कि क्या कैसे क्या तैयारी चली। विगत हम लोग 1 से 1.5 महीना से प्रयासरत थे और ये सारा कंसेप्ट जो है, मैंने हमारी पूरी कमेटी जो है इसको ये किया कि भाई इसको तैयार करना चाहिए एक बार। हालांकि वैष्णो देवी का दर्शन एक बार सत्य अमर लोक में हुआ था, लेकिन पूरी कथा को नहीं बतलाया गया था, वो सिर्फ गुफा बनाए थे और पिंडी रूप में दर्शन करवाए थे। लेकिन जी 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 पूरा अपने पूरी कहानी को हम लोग बताने का प्रयास किए हैं। इसमें टोटल लागत हम लोग का 7 लाख रुपया पूरा कंप्लीट करने में लगा है और पूजा का आयोजन हम लोगों का तो प्रथम दिन से यहाँ शुरू हो जाता है। जी बलि अभी कुछ देर पहले है, बलि की परंपरा है। देखिए, हम लोग वैष्णो पूजा करते हैं इसलिए हमारे यहाँ बलि जो है वो भथुआ, गन्ना, नारियल, अनार और नींबू, ये 5 वस्तुएं हैं जिसका हम लोग बलि माता को चढ़ाते हैं। और समय जो निश्चित होता है, तय होता है हम लोग के शास्त्रों के अनुसार, उस अनुसार ही सारा कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। तो राजेश जी हैं, संरक्षक हैं यहाँ कचहरी चौक के पूजा पंडाल के, इन्होंने विस्तृत रूप से आपको बतला दिया। अब मैं ये जो कि भक्तों को करीब कितनों किलोमीटर चलनी पड़ती है माता वैष्णो देवी की गुफा में, उसके बाद इस की दर्शन होती है जिसके लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ से आते हैं और माता की दर्शन के लिए, आज मैं अपने दर्शकों को घर बैठे अपने चैनल के माध्यम से यह दिखलाना चाहूँगा कि माता का दर्शन माता वैष्णो देवी की जो पहाड़ नुमा गुफा के अंदर जो पिंड है, जिसके कारण की कई ऐतिहासिक परंपरिक कहानियाँ हैं। आपको मैंने जैसा पहले ही बता दिया कि भैरवनाथ की कहानी
को लेकर यह प्रसिद्ध है और बाहर चित्र भी अंकित थी कि भैरवनाथ का वध करने के बाद उसके दर्शन के बिना ये दुर्गा माता का दर्शन अधूरा माना जाता है वैष्णो देवी का। यहाँ दर्शक आए हुए हैं दर्शन करने के लिए और श्रद्धालुगण भी हैं दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कितनी ज़्यादा अच्छा यहाँ का पंडाल लगा आपको, माता वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया। आप कभी वैष्णो देवी गए हैं? जी सर, हाँ मैं तो वैष्णो देवी 13 साल लगातार गया हूँ। मेरा नाम विजय कुमार हुआ है, मैं मोरवादी में रहता हूँ और मैं 13 साल लगातार माँ का दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी गया हूँ और इसलिए मैं यहाँ का पंडाल तो मैं हर एक साल आता हूँ। ऐसा लग रहा है रांची में ही वैष्णो देवी का दर्शन? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप भी 13 साल गए हैं इनके साथ? नहीं, बस 2-3 साल ही गए हैं। हाँ, कैसा लगा वहाँ पे दर्शन कर कर और आज यहाँ अपने घर में वैष्णो देवी? बहुत अच्छा लगा वहाँ भी दर्शन करके। हाँ हाँ बिल्कुल हो गई। हाँ तो मोराबादी से आए हुए हैं, सीमा जी हैं, उनके पतिदेव भी हैं साथ में और इन्होंने दर्शन किया और इन्होंने तो एक बड़ा मैसेज बता दिया कि 13 साल इन्होंने वैष्णो देवी जाकर खुद से दर्शन किए हैं और आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा हो इनको कि पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि यहाँ जो अभी पूजा चल रहा है इसको दिखलाएँ और जिस तरह से माता की प्रतिमा के समीप अब पहुंच चुके हैं हम अंदर पंडाल से और पूरी कहानी विस्तृत रूप से मैंने आप सभी को बतलाया कि क्या कहानी रही है। वैसे तो महिषासुर और चंडमुंड की भी कहानियां बहुत ही प्रचलित है जिसके द्वारा 10 दिनों तक पूजा भी की जाती है और आज मैंने आप लोगों को भैरवनाथ की वो प्राचीनतम कहानी बतलाई। आपको मैं यह दिखाना चाहूँगा कि भैरवनाथ का जो वध माता वैष्णव देवी ने किया था वह प्राचीनतम गुफा द्वार और ठीक उसी प्रतिमा के द्वारा यह वही भैरवनाथ है जिससे कि माता की कई कहानियां जुड़ी हुई है। माता वैष्णव देवी के दर्शन अगर आप करने जाते हैं और भैरवनाथ की अगर दर्शन नहीं होती है तो वह अधूरा कहा जाता है। आप कह सकते हैं भैरवनाथ की ऐसी परंपराएं कहानी जुड़ी हुई है इनसे। अब मैं आपको ये अंतिम दृश्य दिखाना चाहूँगा कि अंत समय में भैरवनाथ द्वारा क्षमा याचना मांगी गई माँ से और उन्हें इसके पर उनको पछतावा हुआ जो घिनौना हरकत उन्होंने किया था भोज में, जो मैंने पूरी कहानी आपको बतला चुका हूँ। आज उसी पंडाल का रांची में यह भव्य निर्माण किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर के 3 पड़ाव हैं, पहला पड़ाव अर्ध कुमारी गुफा, दूसरा माता रानी का भवन और तीसरा भैरवनाथ मंदिर। जी हाँ, भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो ये पूरी विस्तृत रूप से मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की हूँ। अपने कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ सनमार्ग लाइव के लिए मैं कौशल कुमार रांची।